नमस्कार दोस्तों, हम सौर विज्ञान के बहुत सारे टेक्निक्स आप जान रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आप सुबह का प्रोग्रामिंग करना है, आप सुबह का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हाथ का नमस्कार कर रहे हैं, आप अपने सूर्य देखकर आप नीचे उतर रहे हैं, आईने के पास जा रहे हैं। पहले आपका आपका खुद का चरण को स्पर्श करना है, जैसे हम ऐसा स्पर्श कर रहे होने के बाद में आपके हाथ हाथ आपके पैरों को लगाना है और उसको नमस्कार करना है, खुद को रिस्पेक्ट देना है, तो एक एनर्जी आपके लिए काम करेगी। बाद में आप टॉयलेट बाथरूम के लिए जाइए, नहाइए। ये सब होने के बाद में जब हम ईश्वर की पूजा करेंगे तो ईश्वर की पूजा कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। और आपके घर के अंदर ये होने के बाद में इतना याद रखो, आपको अगर मकाम पाना है, सही मकाम पाना है, आपको गोल तक जाना है, तो आपके अंदर समझो घर के अंदर बुजुर्ग लोग होंगे, बुजुर्ग माता होगी, पिता होगी, या कोई आपके सास ससुर होंगे घर के अंदर। यानी हमको ऐसे क्लो ये हमको यही रिलेशन वाले चाहिए, या गुरु होंगे तो उनके आपको चरण स्पर्श करना है। ये आप रेगुलरली याद रखो। अगर काम पे जा रहे तो आपको भी आदत लगाइए, या आपके बच्चों को भी बताना है। अगर कोई कार्य के लिए जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो बड़े लोगों को आपको स्पर्श करना है। तो ये कब करेंगे आपके बच्चे? अगर आप आपके माता पिता को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपके बच्चे भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो ये पहले आपसे स्टार्ट करना है, तो ये काम हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर हमारे माता पिता जी नहीं है, हमारे सिर्फ माता ही है, तो आप माता का बरी। और अगर कोई के दोनों भी नहीं है तो आप, मैंने जैसे बताया था कि आप कोई भी कार्य के लिए जाने वाले हैं तो किसी भी वक्त कोई सा भी छोटा भी काम हो, नीचे भी जा रहे हैं, समझो अभी आप 10 फ्लोर पे या 20 फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे कहाँ भी है, आप किधर जाना है, नीचे जाना है, बाहर जाना है थोड़ा 5 मिनट के लिए, तो आप ईश्वर को थोड़ा नमस्कार करना है, याद रखो। और उस टाइम जो भी स्वर आपका होगा, जो भी स्वर देखो, लेफ्ट है राइट है, आपको समझ में आएगा। आप बार बार अगर देख रहे हैं कि मेरा स्वर कौन सा चल रहा है, आप 5-5, 10-10 मिनट में देख रहे हैं ना, तो आपको पता चलता है कि ऑटोमेटिकली, वो दिखना नहीं पड़ता है मेरा लेफ्ट चलो या राइट चलो, तो आप ऑटोमेटिकली, अभी मैं समझो अभी रेगुलर कर रहा, तो मुझे पता अभी पता चल रहा है कि मेरा भी राइट स्वर चल रहा है, क्योंकि मैं अभी एनर्जी के साथ आपको जो कुछ दे रहा हूं, तो ये एनर्जी आपको इस राइट स्वर में ही मिलती है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, तो ये आपको मिल सकता है। तो आप उधर जाइए, भगवान को नमस्कार कीजिए। नमस्कार होने के बाद में आप देखिए, समझो अभी मंदिर है सामने और आपका दरवाजा यहाँ है, तो आप क्या करना है, अभी ऐसा होने के बाद में आपको घूमना है, ऐसा आप घूमिए। ऐसा घूमने के बाद में आप क्या करो, आपका जो पैर है, जो राइट पैर आपका, समझो आपका राइट जो पैर है उसको आपको बाहर लेना है और आप बाहर जा सकते हैं, श्वास लेना है। जैसे मैंने दूर की प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था कि अंदर श्वास लो और बाहर वही पैर डालकर राइट, बाद में लेफ्ट पैर, ऐसा करते आप जाइए, ऐसा आ सकते। अभी अगर आपको घर के अंदर आना है तो रेगुलरली ये टेक्निक्स यूज करो कि आप शॉप का श्वास देखो, आपका लेफ्ट श्वास है कि राइट है, जो भी स्वर है तो वो स्वर से आपको अंदर आना है। तो मैथिली जब आप दूर की यात्रा कर रहे हैं या बहुत दूर जा रहे हैं, 1 घंटे के लिए जा रहे हैं, आधा घंटे के लिए जा रहे हैं, तभी आप इतना याद रखो कि घर के अंदर आने के समय आपका सूर्य स्वर ही होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई भी स्वर चलेगा, लेफ्ट भी चलेगा, मगर आप दूर जा रहे हैं, आधा 1-2 घंटा के लिए जा रहे हैं, तो आप वो सूर्य स्वर लाइए और अंदर आइए। अभी आप बोलेंगे सर सूर्य स्वर में कैसा लाऊंगा, मुझे पता नहीं, तो सूर्य स्वर के लिए मैंने क्या बताया था, अगर आप स्लो चलते हैं, मैंने बताया था अभी वीडियो के अंदर, अगर आप स्लो चलते हैं तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव होता है, तो जो अंतर है आपका, तो स्लो चलते आइए, ऑटोमेटिकली सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से आप को एक्टिव करके आप घर के अंदर आ सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको हर वक्त करना है, बार बार करना है, हर क्षण में करना है। आप घर के अंदर करो, आपके घर के अंदर करो, दूसरे घर के जा रहे हैं उधर भी करो, जहाँ भी जाओ, आप ऑफिस के अंदर जा रहे हैं या दुकान में जा रहे हैं या किधर भी जा रहे हैं, तो आप इस टेक्निक को बार बार यूज करो। अगर ये बार बार यूज करते तो स्वर अपने आप चलने लगते हैं। अभी जैसे मैं कहाँ भी जाता हूँ तो मुझे दिखना नहीं पड़ रहा है,
वो ऑटोमेटिकली वही स्टोर होता है जो मुझे चाहिए वही, क्योंकि मैं बार बार वो यूज़ करता हूँ तो वो उसको आदत लग गई, अब इधर ये स्टोर लगने वाला है, ये लगने वाला है, ये सब पैटर्न क्रिएट होता है। आप कैसे गलत आदत आपके लगती है, लगती कि नहीं? हम सब एक जगह एक रस्ते से जा रहे हैं तो हम रास्ता वही पकड़ के जाते हैं, आँख भी बंद है तो आप ऑटोमेटिक उधर ही जाएंगे। तो वैसे ही हमको ये आदत देना है उसको, बार बार हम कर रहे तो नेचर भी आपके लिए वही करके देता है, बेस्ट टू बेस्ट करके देता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।